नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। नगर परिषद की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया तो कब्जाधारियों ने शातिर चाल चलते हुए उस जमीन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मंदिर बना दिया। अवैध कब्जाधारियों को लगता है कि खट्टर का मंदिर बनाने से उन्हें इस करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि खट्टर जी ने अपने नाम का इस्तेमाल रोकने के लिए 50 साल पुराने दोस्तों को भी किनारे कर दिया था। तो ऐसे में उनके नाम पर मंदिर बनाने का ढकोसला करने वालों को उनकी ओर से कोई समर्थन नहीं मिल पाएगा। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली तो आनन फानन में अधिकारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और मंदिर के बनाए ढांचे को तोड़ दिया गया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार था कि किसी मुख्यमंत्री का जीते जी मंदिर बनाने का ड्रामा किया गया हो। बता दें कि वर्षों से अवैध कब्जे के नीचे दबी जमीन को नगर परिषद नारनौल के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के साथ फ्री करवाया था, लेकिन उसके चंद ही घंटों में कब्जाधारियों ने उस पर खट्टर के नाम का ही मंदिर बनाकर प्रशासन को उसे हटाने की चुनौती दे डाली। बता दें कि नारनौल नगर परिषद के ईओ अभय यादव के अनुसार कुछ दिन पहले मंदिर बनाए जाने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर टीम ने देखा तो बात सच निकली। एक चबूतरा बना था जिस पर मुख्यमंत्री की फोटो भी लगी थी। लोग सुबह शाम आकर यहां दिया जलाकर विधि विधान से पूजा पाठ करते थे। क्योंकि जमीन नगर परिषद की है तो इस पर लोगों ने मंदिर बनाकर अवैध कब्जा कर लिया था। इससे पहले कि मंदिर आगे बढ़ता, शनिवार को नगर परिषद ने कार्रवाई कर दी। जेसीबी की मदद से मंदिर को गिरा दिया गया। इससे पहले इसी जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से कई मकान बना लिए थे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलिए। नमस्कार।